एनालिसिस ऑर्बिस। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर, साइंस बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो बच्चा, जैसा कि आप लोग कभी ना कभी डेली लाइफ में आपने मेटल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा और नॉन मेटल्स का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। देखो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है वह डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल का इस्तेमाल जो है वह करते हैं, ठीक है। और अब देखो सवाल ये उठता है कि इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमें पहचाने कैसे, हम इन्हें पहचाने कैसे, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि हमारे एवरीडे लाइफ में जो यूज़ होने वाले जो सब्सटेंस हैं वह मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो भाई हम इनको कैटेगराइज करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे किस बेसिस पे, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई सब्सटेंस है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ तो होगी, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करेंगे, ठीक। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि अब हमें जो है उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जाननी होगी, ठीक है। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम लोग इसके बाद की बात करेंगे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, दैट मीन कि वो अपीयरेंस कैसा है उसका, ठीक है, जिसको कि आप क्या कर सको, विजुअलाइज कर सको, इसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। ये आप पढ़ते हो फिजिकल प्रॉपर्टी में, जिसको कि आप देखते हो, जैसे अपने आंखों से आप देख के जो बता सकते हो। जैसे मान लो कोई इंसान है, कोई बंदा है, तो वो छोटा है, बड़ा है, नाटा है, मोटा है, मतलब जो भी चीज़ आप उसको देख के बस पता लगा सकते हो, ठीक है। तो दैट इज देयर फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो अब हम पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। देखो क्या कहा जा रहा है कि सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे है कि ईजेस्ट वे टू स्टार्ट अ ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, देखो सबसे ज़रूरी बात ये है कि किसी भी सब्सटेंस को आपको जब कैटेगराइज करनी हो या आइडेंटिफाई करनी हो तो आपको कंपेयर करना होता है। आपको क्या करना होता है बच्चा, कंपेयर करना होता है, ठीक है। आप कंपेयर करोगे तभी तो किसी की प्रॉपर्टीज आप बता पाओगे ना। जैसे मान लो कि दो अगर सब्सटेंस है, मान लो ये एक सब्सटेंस है और ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप देखोगे तो कंपैरिजन करोगे तो आप बोलोगे हाँ भाई ये जो है वो बड़ा है, ये छोटा है, ये थोड़ा गोल मटोल है, ये हल्का लंबा, मतलब इस तरह से इनको देख के आपस में कंपेयर करके तब आप इनकी प्रॉपर्टीज बता सकते हो, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे वही चीज़ कही जा रही है कि आप क्या करते हो, कंपेयरिंग करते हो इनके फिजिकल प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहे जा रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी जो 3.1 से 3.6 जो है, यहाँ पे आपको क्या किए जा रहे हैं कि आपको कुछ सैंपल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स के सैंपल्स है, जैसे कि आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक। तो ये जो है हमारे पास जो इजीली अवेलेबल जो हैं हमारे कुछ मेटल्स, इनके कुछ सैंपल्स दिए गए हैं और हम इनकी कुछ इनके अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटी करें। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टिविटी दी गई है जिसको कि हम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ का पता लगाएंगे, ठीक है। देखो बात करते हैं हमारे एक्टिविटी 3.1 की। जैसे देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको दिया जा रहा है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पर हमें अब देखो सबसे पहली बात आपको सिंबल आपको याद होने चाहिए। आयरन का जो सिंबल होता है बच्चा वह होता है Fe, ओके। कॉपर का होता है Cu, एल्यूमिनियम का होता है Al, ओके। मैग्नीशियम का होता है बच्चा Mg, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जब आप इसको लेते हो, ठीक है, तो नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। जब आपको क्या करना है, इन मेटल्स के सैंपल को आपको लेना है और ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, ये कैसे दिखते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चा, अगर देखो अगर आपको आप तरह के सैंपल आप ले सकते हो। पहला तो आप लोगे सैंपल, जैसे कि मान लो यहाँ पे कहा नहीं गया है कि आपको न्यू सैंपल प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर ओल्ड सैंपल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सबसे ज़रूरी बात, ठीक है। देखो आपके एनसीईआरटी की यही थोड़ी खामियां है कि ये पूरी चीज़ों को जो है ना वो
रिवील नहीं करते, बहुत सारी चीजों को छुपा के रखते हैं। अगर सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको बोल तो दिया गया है कि सैंपल आपको लेना है, सैंपल आपको दिया जा रहा है, बट न्यू है, ओल्ड है, क्या है? क्योंकि देखो जब न्यू की बात करेंगे उसमें अपीयरेंस दूसरा होगा, और जब ओल्ड होगा उसमें अपीयरेंस दूसरा होगा। कैसे होगा मैं बता रही हूँ। देखो क्या होगा कि जब आप ये न्यू मेटल्स जब लोगे तो इनमें जो है वो शाइन रहेगी, इनमें जो है वह शाइन रहेगी, क्योंकि नए नए जब सबस्टांस जब आते हैं, ठीक है, तो उनमें थोड़ी बहुत इनमें चमक होती है, ठीक है। लेकिन सम अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अब हम बात करें ओल्ड की, अगर मान लो कुछ समय बाद, जैसे हमारे घर पे आप आसपास देख लो कहीं भी आयरन वगैरह आपको या कॉपर वगैरह अगर आपको रखे हुए रहेंगे, तो कुछ समय बाद इनमें फेडिंग हो जाती है, यानी इनकी जो शाइन जो है वह क्या हो जाती है, वो लूज हो जाती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी ये जो शाइन जो है, जिसको कि हम बोलते हैं लास्ट्रस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये जो लास्ट्रस प्रॉपर्टी जो है ये लूज क्यों होगी? तो ये लूज तब होगी क्योंकि आफ्टर सम टाइम जब आप लाए हो न्यू, तो उस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे जैसे वो ओल्ड होगा वैसे वैसे ये मेटल्स जो है वह ऑक्सीजन के साथ, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर के रूप में जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये इनसे रिएक्ट करेगा और बनाएगा, क्या बनाएगा? आप लोग को याद होगा हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट में हमने पढ़ा है कि ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब ध्यान से देखना बच्चा, ये पूरा का पूरा जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड में नहीं बन जाता, बल्कि उसका, मान लो ये मेटल है, ठीक है, तो इसका जो आउटर जो सरफेस है ना बच्चा, इसका जो आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस आपको जो दिख रहा है, इस पे मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। जैसे मान लो चारों तरफ से हम इसको ये करते रहे, ठीक है, तो देखो इस पे क्या हो जाएगी कि मेटल ऑक्साइड की ये लेयर बन जाएगी, ठीक है, जब ये ओल्ड होगा तब, ठीक है। तो पहली बात हमें ये क्लियर करना चाहिए भाई कि हमारा जो सैंपल है वो न्यू है, न्यू मेटल से या फिर ओल्ड मेटल है। अगर न्यू मेटल रहेंगे तो शाइन होगी, उसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होगी, आपको उसमें कुछ शाइनिंग दिखेगी, नया नया बिल्कुल दिखेगा। लेकिन जैसे ही अगर वो ओल्ड की अगर सैंपल की बात करें तो उसमें फेडिंग होगी, यानी कि वो अपने शाइन को जो है वो लूज कर चुके होंगे। और क्यों लूज कर चुके होंगे? क्योंकि वो जो मेटल जो है आफ्टर सम टाइम वो एयर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड जो है वो उनके सर्फेस पे जो है उसकी जो है मेटल ऑक्साइड की लेयर एक जमी रहेगी, जिस वजह से ये मेटल जो है अपने शाइन को लूज कर देंगे, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये रहा कि आपके क्या रहेंगे अगर ओल्ड है, ध्यान देना, अगर ओल्ड सैंपल है देन आफ्टर वो क्या दिखेगी? लस्ट्रस नहीं दिखेगी, लेकिन अगर न्यू है तो वो लस्ट्रस दिखेगी। अब सुनो, आफ्टर रबिंग विद द सैंड पेपर, आप सैंड पेपर जो है उससे क्या करोगे, जब इसको रब करोगे, इनको जब रब करोगे तो इनमें क्या आ जाएगी, इनमें हल्की एक्स्ट्रा लस्ट्रस, एक्स्ट्रा शाइनिंग प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, यानी पहले से कुछ ज्यादा होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब इसकी बात करें, ओल्ड वाले की बात करें, तो ठीक है, जब आप इसको रब जब करोगे विद सैंड पेपर, देन इसके जो मेटल ऑक्साइड के जो लेयर है ना, ये क्या हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड के जो लेयर जो है वो क्या हो जाएंगे आफ्टर रबिंग, ये रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा? रिमूव हो जाएंगे, और देन ये जो मेटल जो है वह फिर से हो जाएगा लस्ट्रस, ठीक है, ये फिर से इसमें शाइनिंग जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब समझो, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारी जो मेटल्स जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? लस्ट्रस है, यानी उनमें अपनी एक चमक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। यस, इसको जो न्यू फॉर्म में जो रहेंगे तो क्या रहेंगे बच्चा? प्योर फॉर्म में रहेंगे ना, जब नए नए जब ये रहेंगे तो प्योर फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो बनी, तो ये क्या प्योर रहा क्या? नहीं, ये बन गया
प्योर, ये क्या बन गया बच्चा, इम्प्योर बन गया, ठीक है ना। तो जो इम्प्योर रहेगा तो उसमें तो भाई लस्ट्रस रहेगी नहीं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी उसमें रहेगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप क्या, आपने क्या करा, सैंड पेपर से रिमूव कर दिया, फिर से वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी जो है वो अपीयर हो गई, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं एक्टिविटी 3.2 पे। देखो क्या कहा जा रहा है कि टेक अ स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, आयरन लिया हुआ है, कॉपर, कॉपर भी ले लिया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, यही अभी यही मेटल्स की बात हो रही है, ठीक है। कहा ये जा रहा है ट्राई टू दिस मेटल्स विद द शार्प नाइफ, ओके, कट दिस मेटल्स विद द शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस, ओके। देखो सबसे जरूरी बात ये है बच्चा कि हमारे पास ये जो मेटल्स जो अवेलेबल हैं लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम्स, इनको अगर आप शार्प नाइफ से अगर आप कट करने की कोशिश करोगे तो ये कट नहीं होंगे, नो कट, कट बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये जो होते हैं बच्चा ये हार्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। मेटल्स, ये जो मेटल्स आपको जो दिख रहे हैं, जो आपको सैंपल जो दिए गए हैं बच्चा, ये हार्ड होते हैं और आप इनको सिंपली नाइफ से, आप इनको नाइफ से कट नहीं कर सकते, ठीक है, आप इनको नाइफ से कट नहीं कर सकते। तो इसका जवाब आपको मिल गया, आप इनको नाइफ से कट नहीं कर सकते। हाँ, एक मेटल आपके पास है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, होल्ड अ पीस ऑफ अ सोडियम मेटल विद द पेयर ऑफ अ टॉन्ग्स, ओके, टॉन्ग्स जो है उसको आपको यूं ऐसे चिमटे से ऐसे पकड़नी है, ओके, और यहाँ पे सोडियम मेटल्स जो है वो आपको रखनी है, और देन आफ्टर, उसके पहले आपको क्या ले, देखिए हम, देखो यहाँ पे आपको प्रिकॉशन लेने को कहा गया है, क्या कहा गया, देखो प्रिकॉशन लेने को तभी कहा जाता है बच्चा जी जब आपको वहां पे किसी चीज से खतरा हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है कि ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ओके, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। कहा ये जा रहा है कि जब आप इस सोडियम मेटल्स को आप लोगे तो इस सोडियम मेटल को आपको बहुत ही सावधानी से कैरी करना है, इस सोडियम मेटल को बहुत ही सावधानी से आपको क्या करना है बच्चा, आपको ये इसको रखना है, आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो क्या करोगे तो वो समझो, इसको जब कैरी कर रहे हो तो संभाल के करना, तो कैसे करना है, ध्यान से देखना है भाई कि कोई तो प्रॉपर्टीज की होगी, तो प्रॉपर्टीज की ये है कि सोडियम मेटल जो है वह रिएक्टिव ही नहीं, ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है, ये क्या है, यह जो है बच्चा जी ये मोर रिएक्टिव है। अब मोर रिएक्टिव किससे है, तो विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से ज्यादा, मतलब कहने का मतलब है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी अगर इस सोडियम मेटल को अगर ये ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये विग्रसली रिएक्ट करेगा, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इस सोडियम मेटल को हम लोग डिप करके रखते हैं, मर्ज करके यानी डुबा के रखते हैं, किसमें हम लोग इसको डुबा के रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, ठीक है, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल से क्या होता है कि इसके आसपास की जो हिस्से जो है वह क्या हो जाती है, ये इसको वेट कर देते हैं, ये गीला कर देते हैं, ये इसको एक तरह से इसके आउटर सरफेस को कवर कर देते हैं, और ये जो है जल्दी जो ऑक्सीजन जो है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता, यानी एक तरह समझ लो कि केरोसिन ऑयल जो है वो इसके आउटर हिस्से पे ये क्या करता है, अपना लेयर एक बना लेता है, जिस वजह से जो है ऑक्सीजन इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं जा पाता, और जो है सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अब देखो इसलिए आपको कहा गया है कि जब आप इसको निकालोगे, ठीक है, तो आपको क्या करनी है कि फिल्टर पेपर को फोल्ड करके और उसको हल्का सा आपको ड्राई कर लेना है, ड्राई कर लेना है, ये गीला रहेगा ना बच्चा, तो हल्का इसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। देन आफ्टर जब आप इसको कट करोगे विद द नाइफ, ओके, जब आप इसको आप इस नाइफ से कट करोगे देन ये शार्पली कट हो जाएगा, बहुत इजीली कट होगा, ठीक है ना, बहुत इजीली कट होगा, क्यों, क्योंकि सोडियम आयन जो है बच्चा जी, सोडियम आयन जो है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, सोडियम आयन जो होता है वह आपका सॉफ्ट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ
दिस मेटल, इन द कंपैरिजन ऑफ अ दिस मेटल, बच्चा सोडियम मेटल जो है वो आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है विद द ऑक्सीजन, इसीलिए इसे केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। और यहाँ पे आपको ड्राई भी इसीलिए करने को कहा गया था क्योंकि आप केरोसिन ऑयल से आप इसको निकालने वाले हो तो ये वेट रहेगा ना, गीला रहेगा ना, इसे हल्का इसको ड्राई करने को कहा गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या कहा जाए, यू विल फाइंड दैट मेटल आर जनरली हार्ड। यस, आपने जैसे कि बात हमने करी आपके ये मेटल की बात करी, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की, तो ये जो मेटल है वो हमारे क्या थे, हार्ड थे, तो हम इनको कट तो नहीं कर सकते। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम अ मेटल टू मेटल। बिल्कुल ध्यान देना एक चीज की, जो हार्डनेस जो है बच्चा, हार्डनेस जो है वह एक जैसी नहीं रहेगी, हर एक मेटल में जो हार्डनेस जो है वह एक जैसी नहीं रहेगी। तो क्या होगी भाई, तो हार्डनेस जो है वह वैरी करेगी, क्या करेगी, वैरीज करेगी, ठीक है ना, वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। हार्डनेस जो है वह चेंज होती रहेगी, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.3, इसमें क्या कहा गया है कि हमें चाहिए होंगे पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। आयरन, ओके, जिंक, लेड एंड कॉपर, ओके। इसको चलो हमने बॉक्स में भर लिया, ठीक है, हम लोग को ये चाहिए थे मेटल, है ना, चल ले लिया। अब क्या कहा जा रहा है, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर, व्हाट डू ऑब्जर्व। चलो ठीक है, कहा ये जा रहा है इन सब मेटल्स को, अब देखो कहा ये जा रहा है किसी एक को आप आयरन ब्लॉक पे रखो। चलो आप आयरन ब्लॉक पे अगर आप नहीं भी रखते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या, आपको ये कहा जा रहा है कि एक एक करके इन सभी पे, एक एक करके इन सभी पे आपको क्या करनी है, हैमर चलानी है, क्या करनी है, हैमर चलानी है। अब देखो बच्चा, यहाँ भी आपके एनसीईआरटी जो है उन्होंने बातों को कंप्लीट नहीं करा है। देखो सिंपल सी बात समझ लो, समझने वाली बात ये है कि नॉर्मली जो आपके ये मेटल्स हैं, आप इनके ऊपर जब हैमर से स्ट्राइक करोगे देन ये जो है अपने शेप जल्दी चेंज नहीं करेंगे, जल्दी चेंज नहीं करेंगे, नॉट चेंज देयर शेप, क्विकली। भाई अब देखो ध्यान से समझना इस बात को, तो क्या एक्चुअली ये समझाना यही चाहते हैं, ये समझाना यही चाहते हैं कि ये जो है हमारा मेटल जो है दे हैव अ मेलिएबल प्रॉपर्टी, हमारे जो ये हमारे ये जो हैं आपके मेटल्स, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इनमें मेलिएबिलिटी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी है। लेकिन ध्यान देना बच्चा जी, मेलिएबिलिटी कब होगी, मेलिएबिलिटी तब होगी जब ये आयरन जो है इनको हीट दिया जाएगा, इनको हीट दिया जाएगा इन फ्यूरेंस, यानी कि जब इनको भट्टी में तपाया जाएगा, जब इनको भट्टी में तपाया जाएगा, इनको थोड़ा गर्म जब किया जाए और तब इन पे हैमर से स्ट्राइक किया जाए, तब दे विल चेंज देयर शेप। देखो दे विल चेंज देयर शेप, यहीं पे बना दे रही, देखो क्या हो रहा है, यहीं पे बना दे रही, कैसे, देखो तो ये क्या, जब हीट इन्फ्यूरेंस जब करेंगे तो ये क्या होगा, तब चेंज करेंगे, दे चेंज देयर शेप, ये अपने शेप को चेंज करेंगे, चेंज देयर शेप, कैसा शेप ले लेंगे, तो लाइक अ शीट, थिन शीट, ये जो है अपने आप को थिन शीट में ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कब, देखो नॉर्मली
नॉर्मली जब हम इनको हैमर से स्ट्राइक करेंगे देन जल्दी इनके शेप जो है वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यही आपके थोड़ी बहुत जो है बच्चा छोटी छोटी जो हम कहेंगे कि ये खामियां हो जाती हैं एनसीईआरटी बुक की, कि वो पूरी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते। वो कहते तो है भाई कि हाँ आपको सैंपल दे दिया गया, लेकिन जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेटल्स जो है दे आर वेरी हार्ड, और जब हम इनके ऊपर जब हम स्ट्राइक करेंगे हैमर से तो जल्दी अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे। बट जैसे ही हम इनको अगर हीट कर दें देन आफ्टर ये अपने शेप को क्या करेंगे, जल्दी चेंज कर देंगे, सो दैट दे हैव अ मेलिएबिलिटी। ये जो कैरेक्टर जो है कौन सी ये जो प्रॉपर्टी जिस वजह से ये अपने आप को एक थीन शीट में चेंज कर ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोल रहे हैं मेलिएबिलिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। और वही ये कहा जा रहा है कि रिपीट विद द अदर मेटल, यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल, और आपको ऑब्जर्व करनी है शेप। ऑब्जर्व शेप क्या भाई, अब सिंपल सी बात है, आप इनको पीटोगे तो ये आपके थीन शीट के रूप में चेंज होंगी, और कब, जब आप इनको हीट करोगे तब। देखो हमारे जो ब्लैक स्मिथ जो होते हैं बच्चा, ब्लैक स्मिथ जो कि जिनको हम लोहार बोलते हैं ना, ठीक है, ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ दोनों, सुनार भी, ब्लैक स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ। अब देखो मैंने इनका नाम मैंने क्यों लिया ये समझो। देखो जनरली क्या होता है, ब्लैक स्मिथ जो है वो हमारे लिए लोहे वगैरह के यूटेंसिल्स वगैरह, गेट वगैरह और बहुत सारे जो है सामान जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए बना पाते हैं क्योंकि जब वो इस लोहे को गर्म करते हैं बच्चा और उसके ऊपर हैमर से स्ट्राइक करते हैं, देन वो क्या कर सकेंगे, वो लोहे को अपने डिजायर शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और गोल्डस्मिथ भी वही करते हैं, गोल्डस्मिथ जो होते हैं वो भी गोल्ड को क्या करते हैं, गोल्ड को पहले हीट देते हैं, देन आफ्टर फिर उसको अपने डिजायर शेप में उसको चेंज कर लेते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होता हो पाता है बच्चा जब आप इसको गर्म करते हो, विदाउट गर्म किए हुए आप इसको जल्दी, देखो अगर वही बात करें देखो गोल्ड की ना, तो गोल्ड जो है इन द कंपैरिजन ऑफ आयरन, गोल्ड जो होता है बच्चा जी वो सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। गोल्ड जो होता है इन द कंपैरिजन ऑफ आयरन ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो आप इनको शीट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन लोगों की अब सारे बात की जाए, अगर सारे मेटल्स की बात की जाए तो हर एक मेटल्स की मेलेबिलिटी जो है वह डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हो जाती है, क्योंकि इसको हीट जब जितना इसको मिलेगा बच्चा, प्रॉपर हीट मिलेगा तभी तो ये चेंज हो पाएगा ना बच्चा अपने अलग शेप में। और मान लो जिसको अगर हीट पूरी तरह से नहीं मिल पाया तो भाई वो तो जल्दी शेप में अपने चेंज नहीं कर पाएगा, तो ये बात रहती है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं कि यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, दिस इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को जैसे कि आपने देखा कि ये मेटल्स जो है वो थिन शीट्स में चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनको एक चीज और जोड़ना चाहिए कि कब, जब इनको कुछ हीट दी जाती है तब, क्योंकि जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो और तब आप इनको अगर करो ना तो भाई थोड़ी जल्द मतलब टाइम लगेगी, ठीक है ना, क्विकली नहीं होगा, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। देन उसी तरह से डू यू नो द गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल, या गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो आपके मोस्ट मेलेबल आपके क्या है, मेटल है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, ओर्नामेंट्स में हम लोग इसका इस्तेमाल कर जो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरी बनते हैं भाई, इनके तो भाई बनाते ही नहीं है, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लीस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। कहा ये जा रहा है आपको क्या करने हैं, आपको लिस्ट बनानी है कि जनरली हम लोग डेली लाइफ में कौन कौन से वायर देखते हैं। देखो बताती हूँ, सुनो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक वायर जो होती है उसमें दो तरह के वायर होते हैं, एक होता है कॉपर वायर, एक होता है एल्यूमिनियम वायर। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक वायर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक वायर की बात हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर की बात हो रही है बच्चा जी, और इसमें दो तरह के आपके होते हैं, कॉपर और एक एल्यूमिनियम। अब ध्यान से समझना, कॉपर जो है, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके,
इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन 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 कॉपर जो होता है बच्चा, कॉपर कॉपर जो होता है वो ज्यादा, आप बोल सकते हो इसकी जो कंडक्टेंस पार्ट्स जो होती है, कंडक्टेंस पार्ट जो होती है वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की थोड़ी कम होती है कंडक्टेंस पार्ट, जो एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करता है इन द कंपैरिजन ऑफ अ कॉपर। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि हमारे जो घर के जो भी वायर्स वगैरह होते हैं, तो आप क्या करते हो, जो घर में हमारे होम में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं उनमें जनरली आप देखते हो कॉपर वायर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पोल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं, जो आप देखते होगे कि इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं उनमें जनरली एल्यूमिनियम वायर जो है वो यूज किया जाता है। इसके पीछे रीजन एक ये भी है कि कॉपर वायर जो है, कॉपर वायर जो है वो कॉस्टली होते हैं, ये जो है कॉस्टली होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ एल्यूमिनियम, ये होते हैं लेस प्राइस। कॉपर से इनका प्राइस जो है वो थोड़ा कम होता है। ये भी एक रीजन है कि पोल वगैरह पे काफी ज्यादा तार वगैरह लगानी होती है ना, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम के वायर लगा देते हैं। और आप देखते हो कि जनरली बहुत बार क्या होता है ना कि पोल्स के जो वायर वगैरह है ना वो जल्दी खराब होते हैं, तो बहुत लोग जो है इन आपके जो भी इलेक्ट्रिशियंस वगैरह जो है वो पोल पे चढ़ चढ़ के बनाते हैं, तो उसके पीछे ये भी एक रीजन होता है कि एल्यूमिनियम वायर वहां पे यूज किया जाता है। अब सुनो, अब क्या है, बहुत जगह आपके नाइक्रोम के वायर, ध्यान देना, नाइक्रोम के वायर का इस्तेमाल होता है कहाँ, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में, यहाँ पे सिर्फ हीटर लिख रही हूँ, इलेक्ट्रिक हीटर की बात हो रही है, उसमें नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है। देखो नाइक्रोम जो है वह दो मेटल से मिलके बना है, दो मेटल से मिलके बना है, पहला है निकेल, दूसरा है क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम, ठीक है, तो देखो इन दोनों को मिला, क्योंकि ये देखो ये ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी के ना ये गुड कंडक्टर, मतलब ज्यादा अच्छे कंडक्टर ये नहीं होते, ठीक है ना, ये लेस कंडक्टर होते हैं। ठीक है, लेस कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर ये नहीं होते, सो दैट इनको मिला के फिर इन दोनों को आपस में मिला के एक नाइक्रोम वायर बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, हीटर में। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि गोल्ड वायर, गोल्ड के वायर जो है बच्चा जी, ये भी बहुत ज्यादा जो प्रीशियस जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो होते हैं ना उनमें इस गोल्ड मेटल्स का, ये गोल्ड मेटल के वायर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है इसलिए सेलेक्टिव पार्ट में, जैसे हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप के जो चिप्स वगैरह होते हैं ना उनमें थोड़े बहुत गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और इनके गोल्ड का जो है इस्तेमाल करने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि गोल्ड जो है वह लेस रिएक्टिव होता है इनके कंपेरिजन में, ये लेस रिएक्टिव होता है, ये जल्दी जो है वो एयर वगैरह से जल्दी रिएक्ट नहीं करता। और यही रीज़न है, आपको पता है जैसे मान लो कि कोई मेटल है तो मेटल के ऊपर अगर ऑक्सीजन की, हमने जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेगा आउटर सरफेस पे, तो अगर ऐसा हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में अगर होता है तो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो फेलियर हो जाएगा, मतलब वो काम नाम जो भी है उसका बंद हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारे जो प्रीशियस जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं उनमें उनके ऊपर गोल्ड की जो है वो एक जस्ट अ काइंड ऑफ अ कोटिंग वगैरह की रहती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे आपके ये क्या कहते हैं कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, सीपीयू वगैरह जो होती है उसमें आपके ये जो है गोल्ड की जो है कोटिंग वगैरह की रहती है, एक जस्ट अ काइंड ऑफ अ लेयर बनाया होता है ताकि ये जो है वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट पे ये कम आए। और मतलब ठीक है, अगर इनके ऊपर ऑक्सीजन का इम्पैक्ट अगर पड़ता भी है तो ये जो है वो मेटल ऑक्साइड ना बना पाए। ठीक है, जो मेटल उस पर लगा है वो मेटल जो है वो उसको सुरक्षित करने के लिए आप इस गोल्ड की कोटिंग करते हो। ठीक है ना, तो ये रहा आपका एक्टिविटी 3.4। नाउ बात की जाए द एबिलिटी ऑफ अ मेटल्स टू बी ड्रोन इनटू थीन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ध्यान देना कि आप जो वायर जो आप ये कर रहे हो ना वायर, तो वही वायर कैसे बनी,
तो वायर तब बनी जब आपने क्या करा, मेटल्स को, मेटल को हम लोगों ने पहले तो हीट करा तो सॉफ्ट होगा, हीट करा इसको, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये डेल्टा का साइन, ठीक है, मेटल को हमने हीट करा तो सॉफ्ट हो गया होगा, ये सब सॉफ्ट हो गए होंगे। देन आफ्टर हमने इसको क्या करा, ड्रॉन करा, इसको खींचा, ठीक है, इसको जब खींचा तो ये चेंज हो गया, ये शेप में चेंज हो गया, कौन से शेप में, तो एक थीन वायर के शेप में ये चेंज हो गए, थीन वायर के शेप में ये चेंज हो गए, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं डक्टिलिटी, इसी को हम लोग बोल रहे हैं डक्टिलिटी, इसी प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं डक्टिलिटी, ठीक है, थीन वायर में जो चेंज हो रही है इस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, और क्या कहा जा रहा है कि गोल्ड जो है वो आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल है, बिल्कुल गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल है, इसीलिए मतलब इसको आप बस थोड़े से पीसेस ऑफ गोल्ड को आप लेके आप बहुत लंबी वायर बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड, देखो 1 ग्राम गोल्ड जो है उससे आप क्या कर सकते हो, 1 ग्राम जो गोल्ड है इससे आप 2 किलोमीटर तक की लंबी वायर जो है वह बना सकते हो, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिव डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आर नीड्स, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज मेकिंग कुकिंग वेजल्स, डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज मेकिंग वेजल्स, लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर। ये जा रहा है कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ये जो दो प्रॉपर्टी जो है ये होनी जरूरी है, और इन्हीं दो प्रॉपर्टी के कारण ही आप और हम क्या कर पाते हैं, इन मेटल्स को अपने डिजायर शेप में चेंज कर पाते हैं, जैसा भी शेप हमें चाहिए उस शेप में हम इनको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू विच प्रॉपर्टी, तो ड्यू टू मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ओके, नाउ यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी करने को कही गई है, वो एक्टिविटी क्या है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी कहा जा रहा है कि ये बताओ कि आप और हम जो जैसे बहुत सारे मेटल्स जो है वो कुकिंग में भी यूज होते हैं, कुकिंग वेजल्स के रूप में यूज होते हैं सिटी वगैरह में, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस मेटल्स का इस्तेमाल जो है वह किस तरह के मेटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो बात करें कि आपको क्या लेनी है, एल्यूमिनियम लेनी है, कॉपर वायर लेनी है, ठीक है, और क्लैम्प्स, ये जो है ये यहाँ पे एक इसके बीच फंसाने वाला है, ठीक है ना, इसके बीच में इनको वायर को फंसानी है, देन आफ्टर इस यहाँ पे आपको फिक्स कर देना है, यहाँ पे आप क्या करना है, फिक्स करना है, आप देखो पिन लेनी है और आपको क्या करना है कि वैक्स से मोम लगा के यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है, ठीक है, फ्री एंड पे यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि हीट द वायर विद द स्पिरिट लैम्प, आपको स्पिरिट लैम्प से इसको बीच हिस्से को आपको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। आपने जब इसको गर्म करा देन आफ्टर क्या हुआ कि आपको देखना है कि क्या हो रहा है, इस ऑब्जर्वेशंस को आपको बताना है कि क्या हो रहा है। तो देखो आप क्या करोगे कि जैसे ही आप इसको जब हीट करोगे तो ये जो पिन जो यहाँ पे था ना, ये पिन यहाँ पे था, ये क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद ये नीचे फॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा जी, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों गिरेंगे, तो देखो जैसे आपने यहाँ पे आपने हीट करा तो यहाँ पे पहले हीट जो गई, यहाँ से जो हीट जो है वो इधर की ओर ट्रांसफर होंगे, कैसे ट्रांसफर होंगे, देखो ये ऐसे, और जनरल यहाँ तक पहुंचेंगे, ये देखो यहाँ तक ये पहुंचेंगे, और फिर क्या होगा, हीट जो है यहाँ तक पहुंचेगा, ट्रांसफर होगा, जैसे ही यहाँ पे हीट आया मोम जो है वो पिघलेगा और जो पेन जो है वो गिर जाएंगे। अभी क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज 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 मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल जो होते हैं ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टीज है कि मेटल जो हैं वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी ये हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इन ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होंगे, मेल्ट होंगे, यही रीज़न था कि आप नॉर्मली
नॉर्मली जब मैंने आपको, इसलिए मैंने आपको बोला था कि नॉर्मली जब आप आयरन वगैरह है, जिंक, लेड, इन सबको अगर आप पीटोगे तो ये अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे जब तक आप इनको थोड़ा बहुत हीट ना दो, क्योंकि जब आप इनको हीट दोगे तो ये क्या होंगे, थोड़े सॉफ्ट होंगे, ठीक है ना। और इनको मेल्ट करने के लिए तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर आपको चाहिए, और भी ज़्यादा हीट आपको देने की ज़रूरत है, ठीक है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ अ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर जो है वह हीट के बेस्ट कंडक्टर हैं, वहीं लेड एंड मर्क्यूरी जो है वो आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। लेड और मर्क्यूरी जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट है। ध्यान से समझिए, सुनो, यहाँ पे इस बात को बताने के पीछे क्या रीजन था कि जैसे ही एक बार आप यहाँ पे हीट करना शुरू करोगे, वैसे ही हीट जो है वो तो ट्रांसफर हो जाएगी, और ट्रांसफर होगी तो वैक्स पिघलेगा और ये जो पिन जो है वो तो गिर जाएगा। अब सुनो, अब ये होता क्यों है, तो होता इसलिए है क्योंकि हमारे जो मेटल्स होते हैं ना, हमारे जो जितने मेटल्स हैं इनकी बात अगर की जाए तो इनके जो आउटर शेल, जो इनके जो आप बोल सकते हैं इनके जो वैलेंस सेल में, इनके वैलेंस सेल में, आपने क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि इनके वैलेंस सेल में जो मेटल्स हैं इनके वैलेंस सेल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो आपने डॉट डॉट जो बनाया, समझ लो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि इनको जब हीट मिलेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में एक ही जगह पे यूं ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये मेटल्स है सॉलिड, और सॉलिड में जो है वो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकते हैं, मूव नहीं करते। ये बस एक ही जगह पे वाइब्रेट ऐसे ऐसे, जैसे ठंड लगती है तो कांपते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये यहाँ पे बस वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे ये वाइब्रेट होंगे, ये क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ हीट जो है वो अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करेंगे, और ऐसा ही प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। और उसी तरह से हीट जो है वो कंडक्ट होकर, हीट जो है एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से होते हुए, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए इनके यहाँ पे जो है पिन के पास जो है वो आएगा, और वहाँ का हिस्सा भी गर्म होगा, वैक्स जो है वह उस गर्मी से पिघल जाएगी, और यही रीजन है कि पिन जो है वह गिर जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी सामने आई कि मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, हीट को कंडक्ट। अब यहाँ पे जो है, अब हम बात करने वाले ये हैं कि यहाँ पे आगे आप देखो, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे था कुकिंग वे, जैसे देखो आपके जो बुक जो है, जैसे आपने यहाँ पे एनसीईआरटी का एक और, अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन तो पूछ दिया गया कि क्यों आपके कुछ मेटल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं कुकिंग वेजल्स के रूप में, ठीक है। और तो और पूछा ये जा रहा है कि ये मेटल्स जो है क्या कह रहा है, व्हाई दिस मेटल्स आर यूज्ड, सबसे पहले पूछा जा रहा है कि अब कौन कौन से मेटल यूज़ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो है, आपको बस सिर्फ एक्टिविटी दे दी गई लेकिन किस तरह का आपको हिंट नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत बच्चों के लिए अटपटी चीज़ हो जाती है, ठीक है ना, हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो देखो ये जो पति यहाँ पे जो है, यहाँ पे जनरली क्या करते हैं कि आप देखते होंगे आपके कुकर वगैरह है, ठीक है, या फिर आपके जो भी खाने बनाने के जो बर्तन हैं उनमें जो है हम लोग जनरली कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, स्टील का इस्तेमाल करते हैं, और किसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह कॉपर का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, आयरन का भी इस्तेमाल होता है, लोहे की कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल होता है ना। तो देखो ये सब जो है देखो, अब याद रखना, कोई आपसे पूछ दे भाई स्टील का भाई सिंबल क्या है, तो भाई स्टील का सिंबल नहीं है, स्टील एक अलॉय है। स्टील जो है वो तैयार होती है किससे, आयरन से, जब आयरन को कार्बन के साथ बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे जब इनको तपाया जाता है तब जाके आपका स्टील जो है वह तैयार होता है, ठीक है। तो भाई स्टील का कोई सिंबल नहीं होता, तो इसको अभी आप कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। मैंने एल्युमिनियम के लिए Al लिखा है क्योंकि इसका सिंबल होता है, कॉपर का Cu होता है और आयरन का Fe होता है, ठीक है ना। देखो तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इनको इसलिए यूज़ करते हैं, अभी अब
हम लोगों ने 3-4 नाम हमने देख लिए कि भाई कौन कौन से मेटल्स जो है वो कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं, कुकिंग वेजल्स जो हमारे पतीले होते हैं। अब देखोगे कुकर की अगर बात करें तो कुकर में अगर बात करें तो ढक्कन से लेके उसकी सीटियों से लेकर के उसका जो मेन पतीला जो होता है उन सब की अगर बात करें तो सब क्या होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। तो अब जो है पूछा ये जा रहा है कि क्यों क्यों यूज कर रहे हो भाई, मेटल्स यूज करने के पीछे क्या रीजन है? तो मेटल यूज करने के पीछे एक ही रीजन है और वो रीजन ये है कि ये जो है, ये जो आपके मेटल जो है दैट आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये जो है वो क्या है, आपके हीट के गुड कंडक्टर हैं। ठीक है ना भाई, गुड कंडक्टर होंगे तभी तो भाई हमारा पतीला जो है वो जल्द से जल्द गर्म होगा और खाना जो है वो जल्द से जल्द बनेगा। नहीं तो पता चला कि यार यहाँ पे हम लोग गैस पे गैस जलाए जा रहे हैं और पतीला तो गर्म ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, बिरबल की खिचड़ी बनाने वाली काम नहीं करनी है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे बिरबल देखते हो, बिरबल जो है काट के वो जो हांडी, लकड़ी की हांडी जो है ऊपर लगा देगा, तो लगा देता है तो वही कैसे बनेगा, लकड़ी की हांडी में खाना कभी बनेगी? नहीं बनेगी ना, वो तो जल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेटल्स जो है वो यूज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वह गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? आपके हीट के गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपको बहुत जगह पे आपको कंफ्यूज किया जाता है, बट यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। डोंट वरी, आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पे या कोई भी लाइन जो है आपका नहीं छूटने वाला। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, देखो एक चीज़ यहाँ पे लास्ट एक रह गई है, लास्ट ये रही है कि आप क्या ऑब्जर्व, व्हाट यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। तो आफ्टर सम टाइम क्या ऑब्जर्व करोगे? तो आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व करोगे कि पहले तो यहाँ पे गर्म होगा सिरा जो है, इसके बाद एट द एंड आप लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक इस हिस्से तक ये क्या होगा, ये जो है हीट जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। यानी पहले हीट यहाँ थी, इसके बाद यहाँ होते होते ये पूरा हिस्सा जो है वो गर्म होने लगेगा। जैसे आप देखते हो ना एल्युमिनियम का जो बर्तन वगैरह होता है जिसमें हैंडल पे कुछ नहीं लगा होता है, ठीक है ना, तो आप देखते हो जैसे मान लो कि सॉस पैन वगैरह एल्युमिनियम का अगर आप चढ़ा दो गैस पे तो क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैं बना दूँ, अगर यहाँ पे मैं एक ऐसे बना दूँ कि चलो देखो मान लो इस ये एल्युमिनियम का एक, या फिर मान लो लोहे का, किसी चीज़ का, किसी मेटल का एक बर्तन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको ये गैस के पास हमने इसको रख दिया, ठीक है, और ये क्या, इसका हैंडल पे कुछ नहीं लगा होता। देखो पहले तो हीट यहाँ पे होगा, पहले तो इसका बॉटम गर्म होगा, फिर इसका ये हिस्सा गर्म होगा, उसके बाद ये हैंडल जो है वो भी गर्म होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे हमारे जो सॉस पैन वगैरह होते हैं, तवे वगैरह होते हैं, उनमें जो है हैंडल पे जो है कोटिंग वगैरह की रहती है ताकि जो है हमें गर्म ना लगे, ठीक है ना। मतलब ही अंदर जो है तो अंदर मेटल तो उसको हीट तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे कांटेक्ट में वो हम हीट के, हमारा हाथ जो है वो हीट के कांटेक्ट में ना जाए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो बात हो रही है कि ऑब्जर्वेशंस डज द मेटल्स वायर मेल्ट, यहाँ पे पूछा ही जाना कि क्या ये मेटल वायर जो है वो मेल्ट होगा तो बच्चा जल्दी नहीं होगा। यार इसके आपके जो मेटल्स जो होते हैं ना उनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, ठीक है ना, तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होंगे। तो ये आपका ये भी क्लियर हो गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज। या देखो एक्टिविटी 3.6, देखो एक्टिविटी पे एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी देकर ही ये बच्चों से ही काम करवा रहे हैं, ठीक है ना, और आप ही को हो रहे हैं भाई प्रॉपर्टीज आप एक एक करके पता लगाओ। चलो ऐसे अच्छी बात है भाई। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज अ शोन इन फिगर 3.2। बिल्कुल, देखो यहाँ पे क्या क्या, पहले बैटरी ले लिया, ओके, देन आफ्टर यहाँ पे क्लिप्स ले लिए, क्लिप्स ले लिए, ये देखो टर्मिनल, एक्चुअली देखो यहाँ पे इनके दो टर्मिनल है, ठीक है ना, यहाँ का वायर इसमें कट कर दिया, ठीक है, ये वायर इधर से कट कर दिया, यहाँ पे स्विच है, ये बल्ब है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंसर्ट द सैंपल टू बी टेस्टेड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लेस अ मेटल टू बी टेस्टेड इन द सॉकेट। ये जो है यहाँ पे ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको ये जो मैं बना दे रही, ठीक है, रेड कलर, मान लो ये हमारा कोई मेटल है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, मेटल रख के आपको बोला गया टेस्ट करने को, ठीक है। अब देखो बिटवीन द फिलामेंट ऑफ ए एंड बी, ये जो फिलामेंट आपको है ना इसके, इनके बीच में आपको रखना है, डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। अब पूछा ये जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, क्या ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? तो आंसर है यस, बल्ब विल ग्लो। क्यों ग्लो करेगा? बिकॉज बिकॉज मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बच्चा जी, गुड कंडक्टर किसका? अभी तो हमने जस्ट पढ़ा था हीट का, लेकिन इसके साथ ही किसकी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। अब देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है, अब देखो और समझो इस बात को कि क्यों है। आपका बुक तो कह दिया भाई कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन क्यों है इसका रीजन मैं दे रही हूँ। देखो आपको रीजन कहीं नहीं मिलेगा, आप यहाँ देखो आपको रीजन मैं दे रही हूँ। सुनो, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि हमारे जो मेटल्स होते हैं बच्चा जी, उस मेटल्स के वैलेंस शेल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स के आपके वैलेंस शेल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो जब आप स्विच ऑन करोगे, ठीक है, तो स्विच जब ऑन करोगे बच्चा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास आउट दैट मीन व्हाट, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इन वैलेंस शेल में जब इनके मेटल, ये जो वायर जो है आप कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे जो है, ये देखो ये जो आपने मेटल आपने जो यहाँ पे रखा है, तो इस मेटल के वैलेंस शेल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास पहुंचेंगे, लेकिन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे, आगे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरह से जो है वो फ्लो बना रहेगा और ये बल्ब जो है वो क्या हो जाएगी बच्चा जी, बल्ब जो है वह ग्लो करेगी। क्यों ग्लो करेगी, तो क्योंकि ये जो वैलेंस शेल में इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वही तो कंडक्ट कर रहे हैं ना, एक और इलेक्ट्रॉन को वही तो पास आउट करवा रहे हैं आगे ना। यही रीजन है कि आपका जो मेटल जो होता है वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। अब देखो, यू मस्ट हैव अ सीन दैट अ वायर that carry current in your home have a coating of a polyvinyl chloride that is called PVC or a rubber like a material. Why are electric wires coated such a substances? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो वायर जो है वो हमारी कोटेड होती है किससे, PVC यानी polyvinyl chloride। देखो हमारी वायर जो है ना, हमारी वायर पे जो ऊपर जो आपको लगता है ना, सब प्लास्टिक टाइप, वो प्लास्टिक नहीं, एक्चुअली वो एक पॉलीमर है, ठीक है ना। आप पर हो गए, ये एक पॉलीमर काइंड ऑफ प्लास्टिक का ही पॉलीमर है, ठीक है। और ये जो है वो कोटेड इसलिए रहती है बिकॉज हमें बचाया जा सके किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से। हम जो है वह बचे रह सके किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाए रखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत बार जब मान लो किसी को अगर करंट अगर लग गया, ठीक है, तो सजेशन ये दिया जाता है कि कभी भी मेटल रॉड का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो मान लो अगर मेटल रॉड अगर है और अगर किसी बंदे को करंट लगी है, अगर आप इससे अगर उसको जाओगे छुड़ाने के लिए, तो आप भी निपट जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद नहीं निपटना है, सामने वाले को बचाना है, ठीक है ना। तो मेटल रॉड की जगह ऐसे सबस्टांस का यूज करो जो कि क्या है, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसीलिए जो देखो पीवीसी जो है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, ऐसे जो रबर लाइक मटेरियल है, इनकी कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे हमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है, when a metal strikes a hard surface, do they produce a sound? The metals that produce sound on a striking a hard surface are said to be sonorous. Can you find now? Say, why school bell are made up of metal? अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपके स्कूल में जो घंटियां जो बजती हैं, उनमें मेटल का इस्तेमाल होता है, क्यों होता है? तो वह इसलिए होता है, वह इसलिए होता है कि जब आप मेटल्स को क्या करते हो, स्ट्राइक करते हो, जब आप मेटल्स को स्ट्राइक करते हो, ठीक है, अगर वो आपस में भी स्ट्राइक हो ना, तो भी साउंड जो है वह निकलती है। क्या निकलती है बच्चा जी, साउंड। किसी को पायल पहने देखो, पायल बनती है ना, सिल्वर की पायल बनती है, उसमें जो घुंघरू जो लगे होते हैं वो भी आवाज़ करते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ जो होती है वो कम होती है, उसकी आवाज़ जो होती है सिल्वर
जो मेटल है वो क्या है कहने को तो मेलेबल है, सिल्वर जो है वो मेटल है कहने को मेलेबल है, लेकिन ये जो है वो लेस साउंड प्रोड्यूस करती है, वह लेस साउंड प्रोड्यूस करती है। लेकिन वही लोहे का अगर घंटा बजा दिया जाए, लोहे का घंटा बजा दिया जाए तो वो मोर साउंड प्रोड्यूस करता है, मंदिर का घंटा है ना, मोर साउंड प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, दूर तक उसकी आवाज़ जाएगी। और ये जो साउंड आने की जो प्रॉपर्टी जो है बच्चा, इसी को बोलते हैं सोनोरस और सोनैरिटी। ये जो है ये प्रॉपर्टी है सोनैरिटी की, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है सोनैरिटी की, ठीक है। अब देखो, अब हमारे मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज जो है वह पूरी तरह से खत्म हो गई। हमने क्या पढ़ा, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, हमारा मेटल कैसा दिखता है, उसका अपीयरेंस कैसा है, तो शाइनिंग है। क्या हम उसको पीट सकते हैं, पीट के क्या उसको चेंज कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल पीट के अपने शेप, अपने डिजायर शेप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या थी, तो उसके लिए ज़रूरत थी उसको थोड़े बहुत हीट देने की। इसके साथ हमारा मेटल जो है वह सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है, तो भाई ऑब्वियसली बहुत सारे मेटल जो है वो हमारे सॉफ्ट होते हैं, बहुत सारे मेटल जो है वो हार्ड होते हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि लिक्विड है, मर्क्यूरी क्या है लिक्विड में, वही अब बात करो सोडियम बेचारा क्या करता था, वो तो कट जाता है, कैसे कैसे कटा भाई, नाइफ से काटा कट गया। तो भाई इस तरह की जो है आपको क्या मिलेगी, आपको प्रॉपर्टीज जो है वह देखने को मिलती है किसमें, तो आपके आपके जो है जो मेटल्स जो है उनमें तरह तरह की जो है वो क्या मिलेगी आपको प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। तो हमने फिर जाना कि हमारा जो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और फिर क्या है उसको पीटने पे आवाज़ आती है, हम लोग उसको शेप में जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा 1 ग्राम जो है, याद होगा 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग क्या करते थे, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक खींचकर उसकी वायर जो है बनाई जा सकती है, उसको जो है बनाई जा सकती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है हमारे मेटल्स के पास है। तो देखो बच्चा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पे कि आपको पहले से नॉन मेटल्स के बारे में, जैसे हमने जस्ट हमने कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो उसको हमें क्या करना होता है बच्चा जी, उसे हमें कंपेयर करना होता है, और कंपेयर करने के लिए हमें जो है प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई है। तो जो जो प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, जो जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की है वो अगर प्रॉपर्टी किसी सबस्टांस में नहीं है देन इट विल बी नॉन मेटल्स, ओके। नाउ बात यहाँ की जा रही है कि सल्फर, यहाँ पे देखो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, ये सभी आपके नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल जो है बच्चा जी, नॉन मेटल अगर हैं तो नॉन मेटल क्यों हैं, तो इसलिए बिकॉज कि देखो जो हमारे मेटल्स के पास जो प्रॉपर्टी थी ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, तो दे हैव अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी, उनके पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी थी, शाइनिंग थी, ठीक है, और क्या थी, मेलिएबिलिटी थी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, देन आफ्टर सोनोरस, और क्या था, गुड कंडक्टर, इसका तो गुड कंडक्टर था हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर था। अब जो हमारे नॉन मेटल हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होगी, ठीक है। अब देखो
बात की जा रही है कि यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लाइक कार्बन हो गए, सल्फर हो गए, आयोडीन हो गए, ठीक है, देन आफ्टर ऑक्सीजन हो गए, ओके, मैं यहाँ पे सबके सिंबल लिख रही हूँ, ओके, देन हाइड्रोजन हो गए। तो ये जो है ये आपकी कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ द नॉन मेटल्स आर इधर सॉलिड्स और गैस एक्सपेक्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। ऑलमोस्ट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या तो गैस के रूप में होते हैं। जैसे आप देख सकते हो आपके कार्बन, कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फर भी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो बहुत सारे आपके। लेकिन अगर आप ब्रोमीन की बात करो, ब्रोमीन ये एक एक्सेप्शन है बच्चा, ये आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जिसका सिंबल होता है Br, ये आपको पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ आपको मेटल आपको जो है दी गई है, कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, देन उनको आप पता लगाना है कि दैटमेन की वो नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटल्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इनका जो अपीयरेंस है उसकी बेसिस पे। देखो यहाँ कहा जा रहा है कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ अ कार्बन, कार्बन में आपके कोल और ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कार्बन सल्फर। अब देखो यहाँ पे हम एक टेबल हम ऐसे बना सकते हैं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम एक टेबल कुछ यूँ बना सकते हैं कि हमें अपने जो भी हमारे पास जो सैंपल है, ठीक है, उस सैंपल्स को लेके हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कोल है, ठीक है, कोल है, ओके, देन आफ्टर हमारे पास ग्रेफाइट है, ओके, देन और क्या है हमारे पास, सल्फर है, ओके, नाउ वी हैव अ आयोडीन। इसका जो सिंबल हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएंगे सी। मैं यहाँ पे भी रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, देख लो मैं यहाँ भी रिपीट कर दे रही, ठीक है। तो देखो हम लोग को पहले लिखनी है सिंबल, ठीक है, तो सिंबल जो है वो हमारा हो जाएगा सी। आपके कोल का भी सिंबल क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये भी कार्बन है ना, ओके, नाउ सल्फर का एस और आयोडीन का आई, ओके, नाउ ना अब हम बात करने जा रहे हैं आपके कि टाइप ऑफ सरफेस, यानी इसका सरफेस जो है वह कैसा होगा। तो देखो बच्चा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, क्योंकि ये जो है ये आपके क्या है, ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ओके, तो ये नॉन मेटल हैं तो इनके जो सरफेस जो होंगे वो नॉन लस्ट्रस होंगे। नॉन लस्ट्रस यानी कि नो शाइन, कोई शाइन नहीं होगी, ठीक है, इन सब में वही चीज होगा, ठीक है, इन सब में वही होगा, नो शाइन, ठीक है, सेम एज। अब देखो हार्डनेस की अगर बात करें, हार्डनेस की बात करें तो देखो ये ग्रेफाइट जो है, इसकी अगर बात करें तो ये, तो जहाँ तक बात की जाए कि ये जो है वह क्या होते हैं, वह ग्रेफाइट जो है वो आपके क्या रहेंगे, हार्ड रहेंगे। इवन ग्रेफाइट और कोल की बात करें ये दोनों की, तो ये आपके हार्ड रहेंगे, ठीक है, ये दोनों हार्ड रहेंगे। लेकिन सल्फर और आयोडीन की बात करें तो ये हार्ड नहीं रहेंगे, ये हार्ड नहीं रहेंगे, नो हार्ड, सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है। अब देखो कहा यह जा रहा है कि इनकी मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी, तो मेलेबिलिटी बच्चा तभी होती है जब आप क्या कर सकते हो, उसको एक थीन शीट्स में चेंज कर सको।
तो भाई ये तो नॉन मेटल तो है नहीं, तो इनमें से किसी के पास भी मेलेबिलिटी कैरेक्टर नहीं होगा। इवन डक्टिलिटी कैरेक्टर क्या होती थी, जिसमें आप मेटल्स को क्या करते थे, जो सब्सटेंस होते थे उसको हल्का हीट करके और उसको ड्रॉन करके देन आफ्टर आप उनको एक थीन और लॉन्ग वायर में आप उसको चेंज करते थे। तो ये भी प्रॉपर्टी इनमें से किसी के पास भी नहीं है। ओके नाउ 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 अब क्या कहा जा रहा है बच्चा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मात्र और मात्र ग्रेफाइट जो है वो है, यस इट्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बाकी के कोल, सल्फो, आयोडीन, ये जो है वो क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, सोनोरिटी की। अब हम किसकी बात करते हैं, सोनोरिटी की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे बात एक चीज और की जाएगी। अगर मान लो आपसे जैसे पूछा नहीं गया, लेकिन मान लो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आर दे गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट, देन आप बोलोगे नो दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट। ओके अब इसमें जो था, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है, ग्रेफाइट है, बाकी के कोई नहीं है। ओनली ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा और कोई नहीं। सोनोरिटी की बात करें बच्चा, तो ये जो है इनमें सोनोरिटी यानी कि अच्छी साउंड ये प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि मेटल्स जो है, मेटल्स को जब आप क्या करते हो, हार्ड सरफेस पे जब आप इसको स्ट्राइक करते हो देन आफ्टर उनसे साउंड निकलती है, लेकिन ये नॉन मेटल्स में सोनोरिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखो वही यहाँ कहा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन द टेबल्स डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये अब आपने डिस्कस किया कि भाई जितनी प्रॉपर्टीज जो है वो आपके मेटल्स के पास थी, नॉन मेटल्स के पास वैसी प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या कहा जा रहा है कि आपको जो है, अब आपको पता चल गया होगा कि कुछ ही जो है नॉन मेटल में, कुछ ही जो है जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी, लाइक जैसे कि आपका मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और ग्रेफाइट भी एक गुड कंडक्टर है, तो भाई कुछ एक एक्सेप्शंस जो है वो मौजूद है इधर आप अगर देखो तो, बाकी के कोई ऐसी प्रॉपर्टीज आपको देखने को नहीं मिलती है। वही अगर बात करें तो मेटल्स जो आपके मर्क्यूरी एक है वो आपकी क्या होती है, मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज अ, यहाँ पे देखो ये बात की जा रही है, मेटल मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होती है, नॉट अ सॉलिड। ये देखो बुक का, ये जो है बुक का थोड़ा आपका ये है, आपको देखने को मिल जाएगा मिसप्रिंट। एक्चुअली आप देखते हो ना, हमारे जो थर्मोमीटर जो आते थे पहले, उसमें भी जो मर्क्यूरी जो होती थी वो क्या होती थी, लिक्विड स्टेट में रहती है बच्चा ना। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको पता है, आपने 3.5 जब हमने एक्टिविटी हमने करी तो वहाँ पे हमें पता चला था कि मेटल्स के पास जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, यानी जब तक इनको बहुत ज़्यादा इनको हीट ना मिले, इनके पास जो है क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनको ज़्यादा टेम्परेचर इनको चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखो बट गैलियम, लेकिन जो गैलियम और कैल्शियम जो है इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, देखो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। तो क्यों? क्योंकि गैलियम एक ऐसा मेटल है जो कि मेल्ट हो जाएगा हमारे आपके पाम में, जैसे आप इनको हथेली पे रखोगे वैसे ही ये मेल्ट हो जाएंगे। देखिए ये बात की जा रही है, दोनों इतने इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है पाम के कांटेक्ट में आने पे भी ये हीट और ये जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन जो है बच्चा वो आपके नॉन मेटल है, बट ये इनमें जो है शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, देखो इनमें जो है वह शाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वह होती है। यहाँ यहाँ इसकी बात की जाए अगर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने यहाँ पे भी बनाया, हमने यहाँ बनाया, देखो यहाँ पे जो है सरफेस की बात जो हमने करी थी, यहाँ पे टाइप ऑफ सरफेस, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन जो है उसमें लस्ट्रस आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यही देखो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी, एक्सेप्शन है। देखो यहाँ पे हमने इसलिए हमने क्या, क्योंकि भाई नॉन मेटल्स को हमको ये करना था ना, लेकिन कुछ अब एक्सेप्शन अब हमें आ रही है, हम एक्सेप्शन को हम लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आयोडीन जो है बच्चा उसके पास क्या है, शाइनिंग सरफेस होती है। कार्बन जो है जो कि एक नॉन मेटल है, बट ये जो है वो डिफरेंट फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, जो जैसे कि हम लोग एलोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, जैसे कार्बन को आप देखोगे तो कोल के रूप में भी है, ग्रेफाइट के रूप में भी है और डायमंड के रूप में भी है, डायमंड के रूप में भी है, ठीक है, और ग्रेफाइट के रूप में भी ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो इसमें जो है कोल और डायमंड की अगर बात करें तो ये तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट ग्रेफाइट जो है वो क्या है, कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो डायमंड जो है, डायमंड जो एक ऐसा एलोट्रॉप है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांसेस बोलते हैं, और इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ये जो है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और अल्कली मेटल्स जैसे कि आपके लिथियम हो गए, सोडियम, पोटेशियम हो गए, इतने सॉफ्ट होते हैं बच्चा जी, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ की मदद से आप इनको काट सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके जो है लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इसका रीजन क्या है, तो इनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक है ना, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी काफ़ी कम होता है। जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके नॉर्मल से नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या रहेंगे, ये सॉफ्ट रहेंगे, इनकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, और यही रीज़न है कि आप इनको इजिली कट कर सकते हो। एलिमेंट कैन बी क्लियरली क्लासिफाइड एज अ मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टी। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस अभी हम लोग को क्या करना है, मेटल और नॉन मेटल को हम लोग को क्लासिफाइड करना है। अब यहाँ देख सकते हो कहा ये जा रहा है मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर्स जो है वो आपको लेनी है, देन आफ्टर बर्न करना है मैग्नीशियम रिबन को और उसके एशेस को कलेक्ट करने हैं और डिजोल्व करना है वाटर में। देखो यहाँ पे एक साइड हमने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन ले लिया, दूसरी साइड हमने सल्फर ले लिया, ठीक है, सल्फर ले लिया। अब क्या करना है, इसको बर्न करना है, बर्न करना है तो बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, चलो हम सल्फर ऑक्साइड लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सल्फर ऑक्साइड ये बन गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो है अब इनको क्या करना है कि इनके जो एशेस जो हैं इनको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है और मिलानी है इसमें क्या, इसमें मिलानी है आपको वाटर, और उस सॉल्यूशंस को आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों पे आपको चेक करना है, और चेक करके आपको बताना है। क्या बताना है, तो बताना ये है कि ये जो हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। अब ध्यान देना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर मेटल, और जो ये है सल्फर जो है दैट इज योर नॉन मेटल। क्या है बच्चा जी, नॉन मेटल, ओके। नाउ व्हेन यू बर्न द मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब इस सॉल्यूशंस को, इसके सॉल्यूशंस को, ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया, इस सॉल्यूशंस को जब आप क्या करोगे, आप डालोगे किस पे, रेड लिटमस पेपर पे, तो क्या होगा, याद करो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो हम लोग का टॉपिक था, आप वो याद करो, वहां पे क्या होता था। देखो यहाँ पे कहा गया है कि नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि ये जो है नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं इनको जब आप क्या करोगे, इनको जब आप वाटर के साथ जब आप मिक्स करोगे तो इनका जो सॉल्यूशन जो होगा वह क्या होगा बच्चा जी, वह होगा एसिडिक, वह क्या होगा एसिडिक। लेकिन वही अगर जो बात की जाए कि एसिडिक होगा तो आप इस सिचुएशन आप क्या करोगे, तो ये जो है अगर आप रेड लिटमस पेपर के अगर ये कांटेक्ट में जाएगा तो वह तो रेड का रेड रहेगा, स्टे रेड, लेकिन जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर की बात हो रही है, ठीक है, और जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को इसके कॉन्टेक्ट में ले जाओगे यह ब्लू से टर्न हो जाएगा रेड में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। वही अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है इसकी अगर बात करें तो
वहीं जब आप बात करो आप मेटल ऑक्साइड की, तो आपको याद होगा कि मेटल ऑक्साइड जो है, जब आप इनको वाटर के साथ आप रिएक्ट करवाते थे, ठीक है, तो क्या होता था, याद करो कि मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो सॉल्ट बनाता था, आपको याद होगा क्यों, क्योंकि ये जो है, आपको याद होगा कि मेटल ऑक्साइड बिहेव करता था कैसे, बेस की तरह। मेटल ऑक्साइड को याद होगा आपने, मेटल ऑक्साइड को आप जब रिएक्ट करवाते थे किसके साथ, एसिड के साथ, एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते थे तो क्या बनाता था, सॉल्ट बनाता था ना, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है मेटल ऑक्साइड, एल्कलीन, एल्कलीन यानी कि आप कह सकते हो बेस काइंड ऑफ ये बिहेव जो है वह कर रहा है। यानी कि इस सिचुएशन में जब आप क्या करोगे, जब आप रेड लिटमस पेपर को आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर के सॉल्यूशन में जब आप डिप करोगे तो ये क्या होगा, ये जो है रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देगा ब्लू में, बट ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एज इट इज सेम रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि आपको एग्जाम्पल देनी है कि ये जो है रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड रहता है वह कौन है, तो वह है आपकी मर्क्यूरी, जिसका सिंबल होता है Hg, जिसका सिंबल होता है Hg, ठीक है, Hg यानी के मर्क्यूरी। ओके, नाउ फिर कहा जा रहा है कैन बी इजी कट विद द नाइफ, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कहाँ गया, ये देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो आप बोल सकते हो लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसको आप क्या कर सकते हो, इजी नाइफ से कट कर सकते हो इजीली। अब देखो कहा जा रहा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का जो है वह बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो वह है कॉपर। वह है कॉपर, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन हो गया, कॉपर हो गया। वहीं अगर बात की जाए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की, तो वह है लेड, जिसका सिंबल है Pb। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।